बहुत सारे लोग कोरोना की बीमारी से डरे हुए हैं। व्हाट्सएप पर आने वाले फॉरवर्ड्स और न्यूज चैनल की खबरों ने हमें कम्प्लीटली डरा दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा कोरोना वायरस के पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान बताऊंगी। जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव या फिर सस्पेक्टेड कोरोना वायरस पेशेंट, उसकी जान बचाने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आप खुद एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, इस तरह का जो प्लान, ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करेंगे तो वो एकदम आसानी से, एकदम इजीली एक कोरोना वायरस के पेशेंट को मैनेज कर सकेंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं है तो इस वीडियो में जो मैं जानकारी दूंगी, इस वीडियो में बताई जानकारी को आप आपके फैमिली डॉक्टर या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर को पूछकर या उनके स्ट्रिक्ट सुपरविजन में ही ले। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके फैमिली डॉक्टर या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ आपके नॉलेज और आपके हेल्थ अवेयरनेस और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह का डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप नहीं है। वेलकम टू थिंकपिल, मैं हूँ डॉक्टर रूपल और थिंकपिल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं कोरोना वायरस के पेशेंट को किस तरह से मैनेज किया जाता है। स्टेज वन का कैसे इलाज कर सकते हैं? तो स्टेज वन में कोरोना वायरस के पेशेंट को सूखी खांसी होती है। अब सूखी खांसी को हम लोग मेडिकल टर्म्स में कहते हैं ड्राई कॉफ या ड्राई परसिस्टेंट कॉफ। तो इस ड्राई कॉफ के अलावा दूसरा कोई भी सिम्टम्स स्टेज वन के पेशेंट में नहीं होता। तो इस स्टेज वन को मैनेज करने के लिए कुछ आपको सिर्फ मामूली से डाइट पे चेंजेस आपको करने हैं। तो सबसे पहले तो आपके डाइट के चेंजेस में इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप दाल चावल लीजिए, खिचड़ी लीजिए, इडली लीजिए, उपमा लीजिए, पोहा लीजिए, ऐसी खाने की चीजें लीजिए जो आपको खाना खाने में आसानी हो, आपको पचने में आसानी हो, और एक ऐसा डाइट लीजिए जिसमें ज्यादा मसाला, घी या फिर तेल ना हो। इसके साथ साथ आप अदरक वाली चाय पी सकते हो, इससे भी आपको फायदा होगा। दिन में एक बार आप 3 से 4 साबुत लौंग या फिर क्लोव्स को चूसिए या फिर चबाइए, इससे भी आपकी सूखी खांसी में बहुत फायदा होगा। इसके साथ साथ डेली रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध आप लीजिए तो भी आपकी सूखी खांसी कम हो जाएगी। और दिन भर में हल्के गर्म या फिर गुनगुने पानी को आप पीते रहिए तो इससे आपकी जो सूखी खांसी है वो 3 से 4 दिनों में कंप्लीटली ठीक हो जाएगी। अगर ये सब करने पर भी खांसी में आराम नहीं है और खांसी बढ़ती ही जा रही है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो अगर 2 से 3 दिन में सूखी खांसी में आराम नहीं होता तो जनरली डॉक्टर्स टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार 7 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। अब एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है और फ्रीक्वेंटली बैक्टीरियल थ्रोट इन्फेक्शन में प्रिस्क्राइब किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन लेने पर, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन बेसिकली एक एंटीबायोटिक है, तो एजिथ्रोमाइसिन लेने पर थोड़ा सा गैस्ट्रिक इरिटेशन और एसिडिटी होती है, इसीलिए एजिथ्रोमाइसिन के साथ में एक एंटासिड कैप्सूल भी दी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओमिप्राजोल 20 मिलीग्राम और डोमपेरिडोन 10 मिलीग्राम के कॉम्बिनेशन वाली जो कैप्सूल मिलती है मार्केट में, उसको एजिथ्रोमाइसिन के साथ प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब ये जो एंटासिड कैप्सूल है इसको दिन में 2 बार लिया जाता है 15 मिनट खाना खाने से पहले, और 7 दिनों के लिए इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई, इस ट्रीटमेंट के साथ में एक विटामिन सी का सप्लीमेंट भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कि टैबलेट लिमसी, जो कि एक विटामिन सी का सप्लीमेंट है। इस टैबलेट को दिन में 1 बार या दिन में 2 बार लिया जाता है, ब्रेकफास्ट के बाद या फिर लंच के बाद। इस विटामिन सी के सप्लीमेंट को 15 दिन के लिए लेने की एडवाइस दी जाती है। अब ये ट्रीटमेंट फॉलो करने से और स्पेशली विटामिन सी का सप्लीमेंट एंटीबायोटिक्स के साथ लेने से कोरोना वायरस के पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ती है और कोरोना वायरस के पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर कोरोना वायरस का पेशेंट, इसको खांसी के साथ साथ अगर बुखार भी होता है तो ऐसे में क्या किया जाए? तो अगर कोरोना वायरस के पेशेंट को खांसी के साथ साथ तेज बुखार होता है तो जनरली हम पैरासीटामोल की गोली प्रिस्क्राइब करते हैं। टू बी वेरी स्पेसिफिक, पैरासीटामोल की गोली 650 मिलीग्राम यानी 650 मिलीग्राम हर 6 से 8 घंटे के गैप पर पेशेंट को दी जाती है, जिससे पेशेंट को बुखार में आराम हो जाता है। अब इस तरह की ट्रीटमेंट फॉलो करने पर मोस्ट ऑफ द केसेस को 3 से 4 दिनों में कंप्लीटली ठीक हो जाता है, 3 से 4 दिनों में उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। कुछ
पेशेंट्स को ब्रेथलेसनेस होने लगती है। ब्रेथलेसनेस का मतलब सांस फूलने लगती है। तो अगर कोरोना वायरस के पेशेंट को दवाई देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है और पेशेंट को खांसी बुखार तो ठीक हो गया लेकिन पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो कोरोना वायरस के पेशेंट को इमीडिएटली एक्सरे चेस्ट या फिर चेस्ट का हाई रेजोल्यूशन वाला सीटी स्कैन कराने की सलाह दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही ज्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर है, वो है चेस्ट का सीटी स्कैन। तो चलिए, अब पेशेंट ने चेस्ट एक्सरे या फिर चेस्ट का हाई रेजोल्यूशन वाला सीटी स्कैन करा दिया और वो रिपोर्ट्स सभी नॉर्मल आ गए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, अगर चेस्ट का सीटी स्कैन या फिर चेस्ट का एक्सरे अगर नॉर्मल है तो पेशेंट को फिर भी ब्रेथलेसनेस है, तो ब्रेथलेसनेस के लिए जनरली एक सिरप दिया जाता है। ऐसा सिरप जिसमें फिनाइलएफ्रीन 5 मिलीग्राम पर 5 ml होता है, इसके साथ साथ क्लोरफेनिरामाइन 2 मिलीग्राम पर 5 ml होता है, प्लस डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन 15 मिलीग्राम पर 5 ml होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन वाला सिरप जो होता है, इसके दो दो चम्मच दिन में 3 बार दिए जाते हैं, वो भी हल्के गर्म पानी के साथ लेने की सलाह दी जाती है। इस तरह की ट्रीटमेंट करने से मोस्ट ऑफ द ब्रेथलेसनेस के केसेस कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाते हैं, पेशेंट को कम्प्लीटली आराम हो जाता है। लेकिन अगर चेस्ट सीटी स्कैन में या फिर चेस्ट के एक्सरे में निमोनिया आता है तो क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, ऐसे केसेस में जनरली डॉक्टर्स टैबलेट ओसिलटामिविर 75 मिलीग्राम दिन में 2 बार देते हैं, 5 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। ओसिलटामिविर एक एंटीवायरल मेडिसिन है। जिस तरह से बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स है, उसी तरह से वायरस को खत्म करने के लिए एंटीवायरल मेडिसिन दिए जाते हैं, जैसे कि ओसिलटामिविर। अब ओसिलटामिविर के साथ साथ कोरोना वायरस के पेशेंट को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भी दी जाती है, लेकिन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन देने से पहले पेशेंट का कार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी निकाला जाता है और अगर ईसीजी नॉर्मल है ओनली देन तभी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को स्टार्ट किया जाता है। अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को किस तरह से देते हैं? तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का 400 मिलीग्राम का जो डोज है, ये दिन में 2 बार दिया जाता है, सिर्फ एक ही दिन यानी कि फर्स्ट डे को। उसके बाद अगले 4 दिन के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन 200 मिलीग्राम को दिन में 2 बार दिया जाता है, जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलती है। यानी कि फर्स्ट डे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन 400 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे एंड नेक्स्ट 4 डेज के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन 200 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका ईसीजी एबनॉर्मल होता है और जिनको एजिथ्रोमाइसिन भी सूट नहीं होती और उनको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भी सूट नहीं होती, तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? तो इस तरह के कोरोना वायरस के पेशेंट को जनरली हम डॉक्सीसाइक्लिन 10 मिलीग्राम 5 दिन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साथ साथ हम टैबलेट आइवरमेक्टिन भी देते हैं, जिसको 3 दिन के लिए दिया जाता है। इतनी सारी ट्रीटमेंट देने के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में 7 दिन में कम्प्लीटली कोरोना वायरस का पेशेंट कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है। अब इस तरह की ट्रीटमेंट देने के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको घर पर ही इस पेशेंट का इलाज किया जाता है, इसको घर पर ही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है, पेशेंट जाके खरीद लेता है और जैसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उस हिसाब से लेता है और कम्प्लीटली बिना हॉस्पिटल जाए रिकवर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा, ऑलमोस्ट 80% ऑफ कोरोना वायरस के पेशेंट्स सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से, घर पर मेडिसिन लेने से कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कोरोना वायरस के पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम हो जाता है। अब इस तरह के पेशेंट्स को ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल में कंपल्सरीली एडमिट करना पड़ता है। जब इस तरह के पेशेंट को हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो ये पेशेंट को जो दवाइयाँ मैंने कही वो दवाइयाँ तो स्टार्ट रहती ही है, लेकिन इसके साथ साथ पेशेंट को ऑक्सीजन भी दिया जाता है। अब ऑक्सीजन अगर
कोई अच्छी हॉस्पिटल या कोई बड़ी हॉस्पिटल है जहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा है तो वेंटिलेटर के जरिए पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है। अगर वेंटिलेटर नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्सीजन नेजल कैन्यूला से पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है। तो अब ये ऑक्सीजन जो देते हैं इसको हम पेशेंट को 18 घंटे के लिए ऑक्सीजन देते हैं। ये सब ट्रीटमेंट करने से पेशेंट की हालत काफी हद तक सुधर जाती है। तो इस तरह से एक कोरोना वायरस के पेशेंट को मैनेज किया जाता है। कोरोना वायरस के 80% ऑफ द पेशेंट्स घर पर ही ट्रीटमेंट करने से कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं, सेल्फ आइसोलेशन में ही वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ 10% ऑफ द कोरोना वायरस के पेशेंट्स जो होते हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। हमारे हेल्थ की जो जिम्मेदारी है वो हम ही को उठानी है। तो हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या फिर हमारे हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो आप अपनी और अपने घर वालों की इम्यूनिटी को बढ़ाइए। इसके लिए कुछ रिकमेंडेशन है। डेली विटामिन सी के सप्लीमेंट्स 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ जिंक के सप्लीमेंट जैसे 50 मिलीग्राम दिन में 1 बार आप लीजिए। इसके साथ साथ विटामिन डी के सप्लीमेंट विटामिन डी 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स आप हर रोज लीजिए 3 दिन के लिए, और 3 दिन के बाद विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है उसको हफ्ते में 1 ही बार लीजिए। इसके साथ साथ आपको SMS फॉलो करना है। अब ये SMS क्या है? S का मतलब सैनिटाइजेशन, M का मतलब मास्क और S का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, हुआ ना SMS। तो SMS को आपको याद रखना है और SMS को आपको फॉलो करना है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ प्रतिक्रिया या प्रश्न हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो और आप इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं इस तरह की वीडियोस पोस्ट करूँ। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।